नमस्ते दोस्तों, मैं राजेश व्यास वास्तुविद आज आपको बात बता रहा हूँ सत्य सनातन धर्म के बारे में। उसका एक महीना होता है मार्गशीर्ष महीना, जिसे कहते हैं अगहन का महीना भी कहते हैं। अगहन का महीना भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। भगवान ने गीता में यह बात कही थी कि मासा नाम मार्गशीर्ष से मार्ग मास में मैं स्वयं बसता हूँ। मार्ग मास मेरा बहुत ही ज्यादा प्रिय है। मार्ग मास में भगवान कृष्ण के मंत्र जप और ध्यान करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। हमारी यदि बाधाएं आ रही है जीवन के अंदर, तो यह मार्गशीर्ष का महीना आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप नित्य करें। इससे मार्गशीर्ष के महीने के अंदर जाप करने से आपकी सारी बाधाएं जो होती है, कार्य में यदि बाधा आ रही है, संकट आ रहे हैं और आपका काम बिगड़ रहा है, तो आप इस मंत्र का इस महीने के अंदर जाप करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम महीना माना जाता है। इसलिए आप भगवान कृष्ण के कहना के आप जाप करें, ध्यान करें। इस महीने दान का भी विशेष महत्व है। हाँ, आपको बताता हूँ दोस्तों, मार्गशीर्ष महीने में ही सतयुग की प्रारंभ हुआ था। सतयुग का प्रारंभ इसी महीने के अंदर हुआ और मार्गशीर्ष की जो पूर्णिमा आती है, भगवान दत्तात्रेय की जयंती भी इसी महीने होती है और इसी महीने राम जानकी पंचमी भी आती है, विवाह पंचमी भी इसी माह में आती है। दोस्तों, माता एकादशी जो थी, उसकी जो उत्पन्न हुई थी बद्रीनाथ में, वो इसी दिन उत्पन्न हुई थी। इसीलिए इस महीने में आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी अर्थात उत्पन्न एकादशी भी कहते हैं। इसका बड़ा महत्व है इस एकादशी का भी। दोस्तों, इस महीने में शंख पूजा का विशेष महत्व है। पवित्र नदी का जल लाकर आप शंख में भरिए और फिर भगवान के आगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आप जाप कीजिए और आप भगवान के चरणों में शंख को रखिए। और आप विशेष करना चाहते हैं, आपके घर के वास्तु दोष भी दूर हो सकता है शंख। यदि आप और विशेष करना चाहते हैं तो भगवान के ऊपर 5 बार शंख को चारों ओर उसकी उसको आप उमारिए, फिर उसके उस शंख के जल को आप चारों दिशाओं में, आग्नेय कोण में, ईशान कोण में, वायव्य में, नैऋत्य में और चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा में, आकाश में और सभी दीवारों पर उस शंख के जल से छिड़किए और आप देखना आपके वास्तु दोष भी इससे दूर हो जाएंगे। घर की जो नकारात्मक एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, वह भी भाग जाएगी। यह महीना जो मार्गशीर्ष का है, इसमें शंख पूजा का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इस महीने के अंदर तीर्थों का स्नान करना चाहिए, कपूर की आरती करनी चाहिए। तो इसी प्रकार मार्गशीर्ष मास में भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाने का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। दोस्तों, एक बात आपको और बताता हूँ, इस माह में भगवान शालिग्राम की पूजा का बड़ा महत्व है। भगवान शालिग्राम को आप पंचामृत से स्नान कीजिए। पंचामृत से आप शालिग्राम को स्नान करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। हाँ दोस्तों, आप इसी महीने भगवत गीता का एक अध्याय, एक पाठ या एक श्लोक आप जरूर करें। गजेंद्र मोक्ष है, विष्णु सहस्त्र नाम है, गोपाल सहस्त्र नाम है, आप इन पाठों का भी यदि अध्ययन करते हैं तो भी आपको बहुत फायदा होता है। मार्गशीर्ष का जो गुरुवार होता है वह माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। मार्गशीर्ष गुरुवार के दिन आप माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करें, अर्घ्य दें, माता लक्ष्मी को आप खीर का भोजन लगाएं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। एक दोस्त आपको बहुत बढ़िया बात बताता हूं मैं एक और, इस महीने आंवले का पूजन, बेल वृक्ष का पूजन, आंवले के वृक्ष का पूजन का बड़ा महत्व बताया गया है। दान करने के लिए इस महीने में आप साग सब्जियों का दान करें, किसी दरिद्र नारायण को, किसी गरीब व्यक्ति को आप भोजन का दान करें तो इस महीने बहुत ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों, मेरे साथ आप जुड़ते हैं तो आपको वास्तु के अलावा भी आपको सनातन धर्म की, हिंदू धर्म के महीनों के बारे में भी मैंने एक नया ये अध्याय शुरू किया है। बहुत सारी क्वायरी आती है, इसलिए मुझे ये करना आवश्यक हो गया और आप लोग मुझे ऐसे ही आप अपने प्रश्न भेजते रहिए और मैं उसका निश्चित रूप से जवाब दूंगा। और मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, परिवार को भी शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।